मौजूद है अपनी टीम का समर्थन करते हुए, बहुत बड़े क्रिकेट के फैन हैं, फॉर्मर कैप्टन है तेलुगु वॉरियर्स के, बड़ा जज्बा रखते हैं, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी वाले अदाकार हैं और खिलाड़ी भी हैं। किस तरह से कल तेलुगु वॉरियर्स को एक एक बॉल पे उन्होंने दिल से सपोर्ट किया और कितने खुश थे शाम को कि पहला फाइनल तेलुगु वॉरियर्स आज खेल रही है। अतुल, गेंदबाजी देखकर आप भी खुश हो रहे, सीम पर पड़ रही है, हल्की सी बाहर जा रही है गेंद, और ये एक गेंदबाजी के स्तर में जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है वो लाजवाब लगा है, खास तौर से नॉकआउट स्टेज में। कल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, उससे पहले इस टूर्नामेंट में उस तरह की गेंदबाजी देखने को नहीं मिली थी। मुझे लगता है कि जिस फॉर्म में है विक्रांत, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे और थोड़ा सा बैकफुट पर डाले तेलुगु वॉरियर्स को, हालांकि एक विकेट चला गया पर वो शॉट हाफ हार्टेड शॉट था, उसमें सोच कम और विश्वास भी कम था। इस गेंदबाज को अगर आप, ओह मिसफील हो गया, चलिए स्ट्राइक तो बदली, पर मैं कहता हूं कि अगर इस पेस पे विकेट कीपर पीछे खड़ा है और आप क्रीज में खड़े खड़े खेल रहे हैं इतनी धीमी बॉल को, तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि वही उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है गेंदबाज का। उसके पास यॉर्कर नहीं है, बाउंसर नहीं है और कोई ज्यादा वैरायटी नहीं है, वो ऑन द स्पॉट करने वाला गेंदबाज है और उसकी आप रिदम बगाड़ेंगे नहीं, और जब तक विकेट कीपर ऊपर आए आप आगे आके मिड ऑफ मिड ऑन क्लियर करना है सिर्फ, और बड़ा शॉट नहीं मारना उसमें। बिल्कुल बी में खेलने की आवश्यकता है यहाँ पर इस विकेट पर, और वहां पर आड़े बैट से खेला था और इसी के कारण संपर्क भी नहीं हुआ, तो उस कारण पहला झटका लगा था चेन्नई की टीम को रमना के रूप में। लेकिन यहाँ बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है, फिर से बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, दोनों छोर से बढ़िया गेंदबाजी। तीसरा ओवर चल रहा है और केवल 6 रन आए अब तक और एक विकेट भी गंवा चुकी है चेन्नई की टीम। कप्तान ने आज टॉस जीता था और सबको प्रेरित करते हुए, उत्साहित करते हुए, बहुत ही ऐतिहासिक मैच उनके लिए, पहली बार मौका है उनके पास CCL टूर्नामेंट जीतने का। 3 ओवर के बाद 6 ब्रेक। एक बार देखते हैं विक्रांत और विष्णु का कैसा प्रदर्शन रहा है, दोनों ने 195 रन बनाए 5 मैचेस में और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही अपनी टीम के लिए स्तंभ रहे इस सत्र के CCL।